हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। 30 साल पहले भी कोई ये ना सोचा था कि 30 साल बाद धरती के किसी भी एरिया से दुनिया के दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, और ये भी ना सोचा था कि हजार हजार माइल दूर जो लोग रहते हैं उसको एक डिवाइस की मदद से देखा जा सकता है और बात भी किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट की इस टाइम में ये सब करना बिल्कुल ही कॉमन हो चुका है हमारे लिए। हम अब डेली ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल्स में बात करते रहते हैं। हमारे इस टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुका है, इतने एडवांस्ड हो चुका है कि हम AI रिवोल्यूशन देख पा रहे हैं। So, कहा जा सकता है कि इस टाइम में कोई भी काम करना पॉसिबल है। So, आज हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको नियर फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। हमारे आज का टॉपिक है कि कैसे आप अपने फ़ोन से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो एंड स्मूथली चला सकते हो दुनिया के किसी भी लोकेशन से। हम आपको आज यही सिखाने वाले हैं, पर सिखाना स्टार्ट करने के पहले ज़रा रुकिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। सो पहले आप अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, फिर सर्च बार में लिखिए क्रोम रिमोट डेस्कटॉप और इंटर कीजिए। फिर आप पहले सर्च रिजल्ट में एक वेबसाइट देखेंगे, उस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। फिर ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अगर ऐसा शो नहीं होता तो कोई साइन अप पेज खुलेगा, वहाँ से आपके कोई भी गूगल अकाउंट इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना, जैसे मैंने कर रखा है। फिर आपको सेटअप रिमोट एक्सेस के टर्न ऑन बटन प्रेस करना पड़ेगा। सो मैं कर देता हूँ। तो आप ये डिवाइस के नाम सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं ये डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप ये 6 डिजिट का पिन मांग रहा है, तो चलो भाई दे देते हैं। मैं पिन डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ये फिर से पूछ रहा है, तो दोबारा डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन को प्रेस करते हैं और ये लो, काम ख़त्म और पैसा हसम। हमने सक्सेसफुली हमारे डिवाइस को सेटअप कर लिया। अब हम आराम से क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर देंगे, था ना आसान। तो आप चलते हैं स्मार्टफोन की ओर। सो स्मार्टफोन के अंदर आने के बाद हमको सिर्फ प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में लिखना है रिमोट डेस्कटॉप और क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमको रिमोट डिवाइसेस में हमारी डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। Then it will start connecting. It is connecting and now we have to enter the pin. हमने जो पिन दिया था वो देना पड़ेगा। And yes, now it is connected with our PC. हमारे PC के साथ ये connected हो चुका है। हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे PC में हम करते थे। So this is all. You can use your PC on your phone like this and it will be very smooth and there will be no lag. So agar aapko ye video pasand aaya to like karo, share karo aur comment karke batao kaisa laga aur subscribe zarur karna. So this is all for today and bye bye, see you next time.